नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रैकर्स आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है सुमंत। आज हम डिस्कस करेंगे 6 दिसंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यू। समय हो रहा है सुबह के 5:51। चलिए शुरू करते हैं। हम इन करंट अफेयर करवा लाते हैं आपके लिए हमारे स्टडी टॉपिक्स इंडियन पॉलिटी, इंडियन गवर्नेंस एंड इकोनॉमी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इन सब पे एमसीक्यूज। ये जो सारे वीडियोस हैं इनका लिंक मैंने दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में, और जो सारे पीडीएफ्स हैं हमारे मिल जाएंगे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी आईडी है क्रैकर्स आईएएस एकेडमी, और हमारा फेसबुक पेज है क्रैकर्स आईएएस एकेडमी। यहाँ पे हम लोग देते हैं आपको 4 सवाल रोज। हमारा पहला सवाल ये है कि जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ये हमारे संविधान में कहाँ से कहाँ तक मेंशन किया गया है। आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 23-24, आर्टिकल 25 से 28, या फिर आर्टिकल 368। अगला हमारा सवाल ये है कि प्रीएम्बल को हमारे संविधान का पार्ट डिक्लेयर किया गया था किस लैंडमार्क कोर्ट के, जैसे कि जो हमारा केस है उसमें, केशवानंद भारती केस, विशाखा वर्सेस राजस्थान केस, मेनका गांधी केस, मिनर्वा मिल्स केस। सवाल नंबर 2। अच्छा देखो, ये चारों केसेस हैं ना, चारों केसेस इंपॉर्टेंट हैं, चारों लैंडमार्क केसेस हैं हमारे, सबके बारे में देखेंगे। इंडिया वेज रिपोर्ट वेज पॉलिसीज फॉर डिसेंट वर्क एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, इसे कौन पब्लिश करता है? ILO, वर्ल्ड बैंक, ऑक्सफैम, WTO। जो फील्ड मेडल का अवार्ड है वो किस फील्ड में दिया जाता है? मैथमेटिक्स में, ब्रेवरी में, एस्ट्रोनॉमी में, या फिर ओशिनोग्राफी में? ये हमारे हैं 4 सवाल आपके लिए। हमने आपको कल दिया था, 4 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं अभी। पहला हमारा सवाल था, सफा हिजला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे है? वो त्रिपुरा राज्य में है। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो क्लाउडेड लियोपार्ड के लिए काफ़ी फेमस है, इसीलिए इसको क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क टैग भी दिया गया है 2011 में, उसके बाद से फेमस है इसके लिए। केवल यही एक प्लेस है जहाँ पर ये इंडेंजर्ड क्लाउडेड लियोपार्ड, जो लियोपार्ड है वो ब्रीड किया जाता है, जिसको यहाँ पर कंजर्व किया जाता है। ध्यान रहेगा कहाँ पर है? त्रिपुरा में है। त्रिपुरा में तीन और सेंचुरी हैं, तृष्णा, रोवा और गोमती। ध्यान रहेगा यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? त्रिपुरा। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है किसके लिए? ये जो सर्टिफिकेशन है वो दिया जाता है उन बीचेस के लिए जहाँ पर काफ़ी अच्छा जो एनवायरनमेंट का ख्याल रखा गया है, और वहाँ पर जो टूरिज्म के लिए फैसिलिटी है वो दी गई हैं एनवायरनमेंटली सस्टेनेबल मैनर में। बीचेस विथ हाई एनवायरमेंटल एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इन सब बीचों को दिया जाता है, हमारा सी आंसर है। एशिया में जो मतलब चंद्रभागा बीच है हमारा उड़ीसा का, वो पहला है जिसको ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन टैग दिया गया है। कौन सा बीच? चंद्रभागा बीच। सवाल पूछे आपसे आगे UPSC में जो भी होने वाला है 15 तारीख को कि चंद्रभागा बीच कहां पर है, ये कोणार्क कोस्ट पर है। कहां पर? उड़ीसा में। अगला हमारा सवाल है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, इसे कौन रिलीज करता है? इसे रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये कंपटिटिव जो हमारा फेडरलिज्म है ना, उसका एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो राज्य हैं वो आपस में कम्पीट करते हैं इस इंडेक्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, जो सिटीज़ हैं वो आपस में कम्पीट करते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। दिस इंडेक्स सीक्स टू असिस्ट सिटीज़ इन अंडरटेकिंग 360 डिग्री असेसमेंट, मतलब उनका स्ट्रेंथ क्या है सिटीज़ का, वीकनेस क्या है, कहाँ पर उनकी कमी है, क्या सुधारना है उनको, क्या थ्रेट्स हैं, सब बातें उनको बताता है ये इंडेक्स। पांडा बॉन्ड किस कंट्री का है? ये चाइना का बॉन्ड है। चाइना के स्टॉक मार्केट से कैपिटल रेज करने के लिए पांडा बॉन्ड जो है ना, वो जैसे कि इशू किया जाता है। हाल में ही पाकिस्तान ने डिसाइड किया है कि वो पांडा बॉन्ड रिलीज करेगा टू रेज लोन फ्रॉम चाइनीज कैपिटल मार्केट। क्या? पांडा बॉन्ड। आंसर यहां पर है डी। चलिए अगला हमारा सवाल है, जो बायमंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू है उस पर कल जो रिपोर्ट है RBI की वो आई, वहाँ पर उन्होंने जो रेपो रेट है उसको उन्होंने अनचेंज रखा। अभी फिलहाल जो रेपो रेट है वो है 5.15%। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर जो हमारे बैंक होते हैं वो लोन लेते हैं हमारे RBI से, जब उनको किसी फंड की कमी होती है। RBI ने रेपो रेट को अनचेंज रखा। इट इज़ द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स टू कमर्शियल बैंक। कितना है? 5.15%। ध्यान रहेगा, पिछले 6 जो बाई मंथली पॉलिसी रिव्यू थी जनवरी से जो शुरू हुआ था, उन समय उन्होंने जो रेट है उसको कट किया था, है ना। मगर इस बार क्या किया? इस बार जो इकोनॉमिक स्लोडाउन है वो तो है ही, मगर जो इन्फ्लेशन है इसका भी खतरा है, इसीलिए उन्होंने इस बार रेट कट नहीं किया, उन्होंने इसको मेंटेन रखा जो पहले से था। ध्यान रहेगा। सवाल हमारा है LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। LAF
MSF, ये सब जो है ना, ये सब टूल्स हैं RBI के मॉनेटरी पॉलिसी के। जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है वो हमारा डिसाइड करता है सेंट्रल बैंक, मतलब कि RBI। जो फिस्कल पॉलिसी होता है वो डिसाइड करता है हमारा गवर्नमेंट, कौन सा, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो भारत सरकार है ना हमारी, वो। सवाल है हमारा इसी LAF के बारे में। इट इज़ द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ RBI फॉर मॉड्यूलेटिंग लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है मनी सप्लाई। इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो कितनी है, लिक्विडिटी हाई रहेगी मतलब मनी सप्लाई वहाँ पर हाई रहेगा, लिक्विडिटी लो रहेगी मतलब मनी सप्लाई वहाँ पर लो रहेगा, ध्यान रहेगा। मान लो कि हमारे इकोनॉमी में जो रुपी है इसका अमाउंट कमा दिया गया, और रुपी की जगह पर जो गोल्ड वगैरह है इसका अमाउंट बढ़ा दिया गया, क्या गोल्ड लिक्विड है? रुपी के मुकाबले ये कम लिक्विड है गोल्ड। गोल्ड को बेचना चाहे ना आप, मुश्किल से बिकेगा, रुपी तो तुरंत बिक जाएगा। बिकने का मतलब क्या, ये कोई भी ले लेगा रुपया, क्या कोई भी गोल्ड ले लेगा? नहीं जी, जिसको ज़रूरत है केवल वही लेगा, है ना। ये मतलब होता है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी मतलब कि आपका जो एसेट है वो कितना जल्दी एक्सेप्ट किया जाता है दूसरे के द्वारा। क्या आप उसको चेक देंगे तो लेगा? नहीं जी। क्या आप उसे रोकड़ा देंगे तो लेगा? एकदम लेगा, समझ रहे हो ना। तो जो लिक्विडिटी है इसको चेंज करने के लिए LAF जो है वो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है RBI का। इसी LAF में रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट आते हैं, ध्यान रहेगा, मेरा पहला यहाँ पर सही है। LAF इज ऑपरेटेड बाई वे ऑफ रिवर्स रेपो रेट ओनली। मैंने क्या बताया, रेपो और रिवर्स रेपो दोनों आएगा, नॉट द रिवर्स रेपो ओनली। मेरा सेकंड गलत है यहाँ पे, A1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। रेपो क्या होता है, जब कोई बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की ज़रूरत होती है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को गिरवी रख करके RBI के पास कुछ पैसे उधार लेता है। ये जो होता है रेट उसको बोलते हैं रेपो रेट। मगर अगर RBI मार्केट से पैसा सोखने के लिए अगर पैसा उठाए मार्केट से, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ध्यान रहेगा। RBI बोरो मनी फ्रॉम बैंक बाय लेंडिंग सिक्योरिटी। जो RBI है ना वो SBI के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो गिरवी रखेगा और रुपया मांग करके ले जाएगा, ध्यान रहेगा, किस रेट पर, रिवर्स रेपो रेट पर। चलिए अगला हमारा सवाल है MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पर। इट इज़ द रेट एट विच बैंक्स आर एबल टू बोरो लॉन्ग टर्म फंड्स फ्रॉम RBI। कॉन्सेप्ट समझिएगा, जो हमारा LAF है वो किसके लिए था, ये शॉर्ट टर्म फंड के लिए था, कम समय के लिए। जो MSF होता है वो ओवरनाइट फंड के लिए होता है, ओवरनाइट फंड के लिए होता है, मतलब कि अगर रातों रात आपको जरूरत पड़ गई ना पैसे की तो आप MSF के तहत लोन लेंगे, नॉट द लॉन्ग टर्म फंड। मेरा पहला गलत है यहाँ पे। ये सब फंडामेंटल है मॉनेटरी पॉलिसी के, इसी पर सवाल पूछते हैं UPSC वाले, ध्यान रहेगा। मैंने यहाँ पर वन 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 एलिमिनेट कर दिया, मेरा आंसर आ गया आराम से टू, ध्यान रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है MSP का वो रेपो रेट के बिलो नहीं एबव होता है, ठीक है ना। पहले ये 1% हुआ करता था, मगर ये जरूरी नहीं कि केवल 1% हो, ये डिपेंड करता है RBI। फॉर एग्जांपल, जो पहले रेपो रेट है और जो रिवर्स रेपो रेट है इसके बीच में अंतर पहले 1% का हुआ करता था, अब कितना होता है, अब काफ़ी कम होता है, डिसाइड करता है RBI। हो सकता है 0.25 का हो, 0.5 का हो, कोई ज़रूरी नहीं कि वो केवल 1% का अंतर हो, समझ रहे हो, डिसाइड करता है RBI। मेरा थर्ड यहाँ पे गलत है, बी सही है। बैंक कैन बोरो फंड बाय प्लेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद इन द लिमिट ऑफ SLR। दो होता है, एक होता है हमारा कैश रिजर्व रेशियो, दूसरा हमारा होता है सॉरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। सिरर जो होता है वो कम होता है, SLR काफ़ी ज़्यादा होता है, ध्यान रहेगा। सिरर में जो कैश वगैरह होते हैं वो रखे जाते हैं, SLR में कैश के अलावा आपके जो दूसरे लिक्विड एसेट, मतलब मान लो कि गवर्नमेंट के बॉन्ड हो गए, वो सब भी रख सकते हैं। हम सब देखेंगे इसको, जैसे जैसे हम जैसे जैसे किसी क्वेश्चन करते चलेंगे ना अपने इकॉनमी वाले, उसमें ठीक है सारे जो टर्म्स हैं उनको हम देखेंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ यहाँ पे, मेरा आंसर केवल सेकंड था, 1 और 3 तो मेरा कट गया था, ध्यान रहेगा। MSF का जो रेट होता है इट इज़ ऑलवेज हायर देन रेपो रेट एज बैंक नीड फंड इंस्टेंटेनियसली। और जो बैंक होता है वो अपने पूरे NDTL का केवल 1% बोरो कर सकता है।
अब ये NETL क्या होता है? UPSC ने सिंपली सवाल पूछ लिया था कि जो NDTL होता है ये किससे संबंधित है, जो हमारा बैंकिंग है ऑपरेशन है इनसे, फाइनेंस है इससे, ऐसे क्वेश्चन पूछता है UPSC। अब कहेंगे सर इतना आसान पूछता है तो इतना टफ काहे पढ़ रहे हैं। अरे आसान पूछे कोई जरूरी थोड़े है, टफ पूछ देगा तो। अब सोचो उन्होंने पूछ दिया था कि जो 10th जैसे कि सॉरी उन्होंने पूछा था कि जो हमारा एंटी डिफेक्शन जो लॉ है इसके प्रोविजन कौन से शेड्यूल में है, 10th शेड्यूल में है। अब इतना आसान सवाल पूछ देगा, आप कहेंगे तुम्हारा बेइज्जती हो गया, हमने तो बहुत टफ टफ पढ़ा था, इसमें पढ़ा था, तुमने पूरा पढ़ लिया था प्रोविजन सारे इसके, अब पूछ रहा है ये। आपको तैयार रहना है हर चीज़ के लिए, ध्यान रहेगा ठीक है ना। तो क्या होता है NDTL? ये होता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। जो डिमांड लाइबिलिटी कितनी है, टाइम लाइबिलिटी कितनी है, दोनों को सम कर देंगे तो क्या होता है NDTL। डिमांड लाइबिलिटी क्या होती है, आपका जो सेविंग अकाउंट है, आपका जो करंट अकाउंट है, इसमें जो पैसा पड़ा हुआ है ना, जिसको कंज्यूमर कभी भी डिमांड कर सकता है, उसको बोलते हैं डिमांड लाइबिलिटी। आप जो पैसा जाके जमा करते हैं बैंक में, वो बैंक की लाइबिलिटी है, उसको पैसा लौटाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, बैंक जो लोन घुमाता है पब्लिक को, ये लोन बैंक का एसेट है, ध्यान रहेगा गुरु। अब देखो यहाँ पे सेविंग वगैरह क्या हो गया, ये हमारी लाइबिलिटी है ठीक। चलो तो सम कर देंगे, क्या आएगा, NDTL आएगा। अगला हमारा सवाल है ARLS एग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट। लॉजिस्टिक्स पे हमने काफ़ी सारे डील साइन किए हैं USA के साथ, फ्रांस के साथ, दूसरी कंट्रीज हैं इनके साथ। क्यों? क्योंकि हमें उनके जो एसेट्स होते हैं वो इस्तेमाल करने होते हैं, उन कंट्री को हमारे एसेट को इस्तेमाल करना होता है। ये जो एग्रीमेंट है लॉजिस्टिक्स का, किस कंट्री के साथ है? इट इज़ अ डिफेंस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड USA। USA के साथ जो है ना उसको बोलते हैं LEMOA, LEMOA। ये जो हमारा डील है ARLS, ये रशिया के साथ है। किसके साथ है? रशिया के साथ है। मेरा पहला यहाँ पर गलत हो गया, मैंने खट से यहाँ पर वन और सी एलिमिनेट कर दिया। मेरा सही होने का चांस कितना हो गया, 50%, मतलब कि 0.5 प्रोबेबिलिटी। द एग्रीमेंट विल सिंप्लीफाई इंटरऑपरेबिलिटी एंड इनेबल मिलिट्री प्लेटफॉर्म टू रिसीव सपोर्ट एंड सप्लाई अक्रॉस बेसिस इन बोथ द नेशन। यही तो मतलब होता है आपके लॉजिस्टिक सपोर्ट का, मतलब कि आपके जो शिप हैं उन कंट्री के जो बेसेज हैं, नेवल जो जो पोर्ट्स हैं वहाँ पर जाएगा, रिपेयर करेगा, रिफ्यूलिंग करेगा, और उन कंट्री के जो शिप्स हैं वो भारतीय पोर्ट पे आएंगे, जो हमारे बेस है वहाँ पर आएंगे और रिफ्यूलिंग और बाकी जो काम है वो करेंगे। मेरे यहाँ पर बी है जो सही है, ध्यान रहेगा। यहाँ पूछ रहा था कौन सा नॉट करेक्ट है, गलती मत कीजिएगा। यहाँ पर आंसर ए ओनली वन ओनली होगा, क्योंकि केवल यही है जो इनकरेक्ट है। मेरा सेकंड तो यहाँ पर सही है ना, आपको दिमाग खोल करना है। देखो मुझसे भी गलती होती है। आंसर क्या है यहाँ पे, ए वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। अगला हमारा सवाल है एम हरियाली मोबाइल ऐप। इस ऐप को कौन लॉन्च करता है, किसने लॉन्च किया है? मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ये जो ऐप है इसको देख करके लगेगा आपको कि यार मिनिस्ट्री ऑफ हरियाली है, यहाँ पर बात हो रही है हरियाली की, तो हो सकता है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट आंसर मार दें, इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है इसको, ताकि आप मार के निकल जाएँ। नहीं जी, ये जो मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ये जो मंत्रालय है वो चाहता है कि जो एनवायरमेंट है इसको हरा भरा बनाया जाए, जो लोग हैं इनको सेंसिटाइज किया जाए, इनको अवेयर बनाया जाए सोर्स पे सेग्रीगेशन करने के लिए। जो कूड़ा होता है इसको सोर्स पर ही, जो ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है, इन सोर्सेज में बांट दीजिए। आपके जो केले के छिलके हो गए, सब्जियां के जो टुकड़े हो गए, इन सबको रखिए आप ऑर्गेनिक में, और जो प्लास्टिक वगैरह हो गया इसको रखिए आप इनऑर्गेनिक वेस्ट में, ताकि जो ऑर्गेनिक वाले वेस्ट हैं इनको ट्रीट करके जो बायोफ्यूल हैं वो बना सकें, जो हमारे दूसरी चीज़ें हैं खाद वगैरह है ना वो बना सकें उनसे, ध्यान रहेगा। क्या आंसर है यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है इनके लिए जो अवेयरनेस है फैलाया जाएगा, उसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, ताकि जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो हो सके। जो ग्रीनिंग है ओपन स्पेस का प्लांटेशन के जरिए वो किया जाएगा। कौन सा मंत्रालय है? मंत्रालय हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ध्यान रहेगा। जो प्लांट लगाए जाएंगे ना इसका जियो टैगिंग किया जाएगा। ये क्या होता है जियो टैगिंग का? मतलब होता है कि आपके जो एसेट हैं, आपके जो प्लांट लगाए गए हैं, इनको हम मैप,
पर दिखाएंगे। सीएम जियो टैगिंग की जाती है, जो हमारा मनरेगा है ना, नरेगा नरेगा, इसमें जो भी एसेट, जो भी कुआं बावड़ी, जो भी कुछ बना है ना, उसको जियो टैग किया जाएगा। मतलब कि आपको मैप पर दिखाई देगा कि हाँ यहाँ पर सरकार ने एक कुआं बनाया है ना। तभी तो पता चलेगा ना कि हाँ कुआं वहाँ पर है कि नहीं, बनाया भी गया है कि नहीं। पता चला कि लोग गड्ढा खोद रहे हैं, गड्ढे को भर रहे हैं और अपना जो पेमेंट है वो ले रहे हैं। ठीक है, तो जियो टैग किया था किसके लिए, जो हमारा जैसे कि जो होता है ना ऑडिट वगैरह, वो करने में आसानी होती है कि हाँ देखो ये जो गांव है हमने यहाँ यहाँ पर काम किया है। चलिए अगला हमारा सवाल है 1990-90 स्ट्रेटजी के बारे में। ये संबंधित है किससे, क्लाइमेट चेंज कंट्रोल से, टीबी कंट्रोल से, एड्स कंट्रोल, वायरल फेवर कंट्रोल। ये जो 1990-90 स्ट्रेटजी है संबंधित है एड्स के कंट्रोल से। सी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा जो पर्पज़ ये है कि जो 90% लोग हैं वो अपना एचआईवी स्टेटस जाने, क्या उनको एचआईवी है या नहीं। अब जिनको है उनके 90% लोगों को ट्रीटमेंट मिल सके, ध्यान रहेगा, और जिनको ट्रीटमेंट मिला है उनके 90% को वायरली सप्रेस्ड किया जा सके, उनको ठीक किया जा सके। मतलब देखो ये ठीक तो पूरा नहीं होगा, मगर फिर भी उसको जो हमें ना उनका इफेक्ट एड्स का, उसको कम किया जा सके। ये क्या होता है 1990-90 स्ट्रेटजी, संबंधित है किससे, संबंधित है ये एड्स से। चलो अगला हमारा सवाल है यूनानी मेडिसिन पर, इनके बारे में कौन सी बातें सही है। दिस सिस्टम ऑफ मेडिसिन वॉज बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट एंड गैलन। ये जो दो व्यक्ति हैं इन्हीं की जो खोज है ना उन पर संबंधित है ये यूनानी मेडिसिन। मेरा यहाँ पर पहला सही है। दिस वॉज प्रैक्टिस ड्यूरिंग मुगल पीरियड एंड इन मुस्लिम कल्चर इन साउथ एशिया। अब देखो ये जो लाइन है इसको करेक्ट बता पाना सही, मतलब कि ज़्यादा आसान है, इसको इनकरेक्ट बता पाना काफ़ी मुश्किल है। अब कौन प्रूफ करेगा जा करके कि मुगल पीरियड में और मुस्लिम कल्चर में यूनानी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं होता था। जो जिस व्यक्ति ने सवाल ये फ्रेम किया होगा उसने पक्का पढ़ा होगा कि मुगल में और मुस्लिम कल्चर में इसका इस्तेमाल किया जाता होगा, तभी उसने यहाँ पर ये लाइन दी होगी। आपको एग्जामिनर का जो माइंडसेट है ना वो पहचानना है कि क्या उसने इसको उल्टा करके दिया है, क्या उसने इसको सीधा करके दिया है। इसको उल्टा, इसको डिस्प्रूव करना काफी मुश्किल है। अरे कौन जाएगा मुगल पीरियड में और देखेगा कि वहां पर इस्तेमाल होता था कि नहीं यूनानी पीरियड, जैसे कि यूनानी मेडिसिन, समझ रहे हो ना। तो इसको डिस्प्रूव करना काफी मुश्किल है। मेरे यहां पर सेकंड है जो सही होगा। इसी तरह से आपके अटेम्प्ट किया जाता है यूपीएससी में, क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट बढ़ाना पड़ता है। यहां पर आंसर क्या है, सी बोथ वन एंड टू आर करेक्ट, ध्यान रहेगा। चलिए अगला हमारा सवाल है कतर के बारे में। कतर एक वेस्ट एशिया का कंट्री है। कौन कौन से कंट्री बॉर्डर करते हैं कतर को, बहरीन, सऊदी अरेबिया, यूएई। यहाँ पर केवल एक ही कंट्री है जो बॉर्डर करता है कतर को, कौन सा कंट्री है। यहाँ पे मैप देख रहे हो, यहाँ पे देखो ये है गल्फ ऑफ बहरीन, ये आपको देख रहे हैं ना, ये मनामा है, ये बहरीन है, ये मनामा है, ध्यान रहेगा। यहाँ पर जो अलग अलग शहर हैं जैसे कि दुकान है, यहाँ पे अलखवार है, ये जो हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर, देखो यहाँ पर दोहा है, दोहा सुना है आपने, दोहा समिट कहाँ पे है, कतर में है। नीचे आपका आता है यूएई, ये पर्शियन गल्फ दिख रहा है नीचे, और ये हमारा है दुआट सलवा बे, यहाँ पर आपका सऊदी अरेबिया है। तो जो कतर है कतर को केवल एक ही कंट्री बॉर्डर करता है, वो है सऊदी अरेबिया। इसीलिए कतर का जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है सऊदी अरेबिया का। आंसर यहाँ पर क्या है, टू ओनली, बहरीन तो नहीं है, आइलैंड कंट्री है, यूएई थोड़ा सा अलग पड़ जाता है। यहाँ पे आंसर क्या है, यहाँ पे टू ओनली कहाँ है, सी टू ओनली इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रहेगा। चलिए एक सवाल और, विच वन द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट ओपन आउट टू द गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान को कौन कौन से कंट्री बॉर्डर नहीं करते, पाकिस्तान, कतर, यूएई, पाकिस्तान दे दिया मैंने दोबारा, काट दो यहाँ पे, यहाँ पे लिख दो सऊदी अरेबिया, ध्यान रहेगा। अब देखो यहाँ पे जो पाकिस्तान है ये तो कर रहा है, देखो यहाँ पे पाकिस्तान जो है ना ये गल्फ ऑफ ओमान को बॉर्डर कर रहा है, ईरान भी कर रहा है, पाकिस्तान तो कर गया, ईरान भी कर गया, जो ओमान है ये भी कर गया, जो हमारा यूएई है ये भी कर गया बॉर्डर, कतर नहीं करेगा और जो सऊदी अरेबिया है वो नहीं करेगा, ध्यान है। देखो ये यहीं पर आकर रुक जाता है, ये पर्शियन गल्फ का पार्ट होता है। तो मेरा आंसर क्या, यहाँ पे क्या आ गया, मेरा आंसर यहाँ पे आ गया सी यूएई और डी सॉरी बी कतर एंड डी हमारा सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया और कतर ये दो कंट्री गल्फ ऑफ ओमान का बॉर्डर नहीं करते,
चलिए बाकी आपका मैथ यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। मैप सारा यहाँ गल्फ ऑफ ओमान मरा है, यहाँ पर आकर रुक जाता है। इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये क्या होता है? स्ट्रेट का मतलब होता है ना कि कोई पतली से वाटर बॉडी जो दो बड़े वाटर बॉडी को जोड़ती है। तो सवाल मुझसे अगर पूछे कोई कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ये कौन कौन से वाटर बॉडी को जोड़ता है, ये है हमारा गल्फ ऑफ ओमान एंड हमारा पर्शियन गल्फ। ठीक, याद रहेगा। अगला हमारा सवाल है तापी पाइपलाइन पे। तापी पाइपलाइन कौन कौन सी कंट्री के थ्रू पास करता है? तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान। TAPI, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। तजिकिस्तान से पास नहीं करता, मेरे यहाँ पर थर्ड गलत है। अफगानिस्तान से करता है, पाकिस्तान से करता है, ईरान से पास नहीं करता। ये हमारा IPI लाइन हो जाता है, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन। IPI पाइपलाइन नहीं है ये हमारा तापी पाइपलाइन है। मेरा आंसर क्या आ गया? C 2 और 3 ओनली आर करेक्ट। ये जो गलगलिस हमारा गैस फील्ड है हमारा यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान में, यहाँ शुरू होता है, हेरात और कांधार से होते हुए क्वेटा में जाता है, मुल्तान से पास करता है और जो फजीलिका है इंडिया में वहाँ पर आकर के रुकता है। ध्यान रहेगा ये हमारा बॉर्डर है ये वाला। ठीक है, कश्मीर इज ऑलवेज आवर्स। आंसर मेरा क्या है यहाँ पे? 2 और 3 सी इज द करेक्ट आंसर। अगला हमारा सवाल है जिनजियांग प्रोविंस जो चाइना का है वहाँ पर हाल में ही जो एक रिपोर्ट थी चाइनीज़ गवर्नमेंट की वो लीक हो गई थी। वहाँ पर ये मतलब बताया गया था कि क्या क्या मेथड अपनाता है चाइना वहाँ पर जो प्रोटेस्ट है उसको सप्रेस करने के लिए। तो जो हमारा जिनजियांग प्रोविंस है चाइना का वो किन किन कंट्री से बॉर्डर करता है ये पूछा गया है। मंगोलिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। देखो ये मंगोलिया है, ये कजाकिस्तान है, दो तो मेरा हो गया मंगोलिया और कजाकिस्तान। 1, 2 तो मेरा सही है, यहाँ पर 1, 2 एंड 1, 2 मेरा बी और सी कट गया। यहाँ पे 3 है क्या? तुर्कमेनिस्तान से नहीं लगता, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, सॉरी जो हमारा तजिकिस्तान है उससे लगता है, कच से तो लगता ही है। मेरा आंसर क्या है यहाँ पे? मेरा आंसर यहाँ पे आ गया A 1 और 2 ओनली आर करेक्ट। जो तुर्कमेनिस्तान है इससे नहीं लगता हमारा जो जिनजियांग प्रोविंस है वो वाला। अफगानिस्तान का बॉर्डर चाइना से लगता है, ध्यान देना। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाता है, चाइना से बॉर्डर बनाता है, ये इंडिया के साथ भी बॉर्डर बनाता है क्योंकि हमारा स्टैंड ये है कि ये हमारा जो POK वगैरह है ना ये सारा इंडिया का टेरिटरी है और POK का जो कुछ पार्ट है वो अफगानिस्तान से बॉर्डर बनाता है। ठीक है, हमारा सबसे छोटा बॉर्डर किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है, भले ही वो एरिया हमारे कब्जे में ना हो। आंसर क्या है? A 1 और 2 ओनली आर करेक्ट। चलिए तो दोस्तों ये थी बातें हमारे आज की। अगर आपने आज कुछ सीखा हो नया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे और इसे प्रमोट कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।